है एवरीवन वेलकम टू अन एकेडमी एंड आई होप यूल उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा आप लोगों के लिए आज के आपके शानदार मज़ेदार धमाकेदार सेशन के साथ हेलो एवरीवन क्या हालचाल कैसे हैं आप सब लोग क्या हो रहा है गुड इवनिंग गाइस गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हो आवाज़ आ रही है आप लोगों तक मेरी आवाज़ ठीक पहुंच रही है हाँ जी बताइए आवाज़ ठीक पहुंच रही है गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग गाइस बढ़िया चलो भाई साहब बात यह है कि आज के सेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर करने वाले हैं मतलब जो आज हम लोग टॉपिक कवर अप करेंगे उनमें से ऑलरेडी प्रलिम्स के अंदर पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं क्योंकि आज हम लोग जो दो मंत्रालय कवर करेंगे वो होंगे पहला मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ये दोनों ही मंत्रालय आपके प्रलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और एन्वायरमेंट में बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा सवाल आते हैं सो दिस इज द रीजन ये कारण है जिस वजह से आज की क्लास आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है खासकर जो लोग साल का प्रम्स दे रहे हैं ठीक है दोज हुर गिविंग प्रोलिम्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आई होप मेरी पिछली क्लासेस आप लोगों ने देख ली होंगी ये वाली क्लास हमारी सेकेंड लास्ट क्लास होगी हो सकता हो है कि इसके बाद मतलब सेकेंड लास्ट मैं कह रहा हूँ बट मेरे को एक और क्लास कंडक्ट करनी पड़े तो इन टोटल मैंने सोचे थे कि हाँ भाई गवर्नमेंट स्कीम्स क्योंकि देखो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं और हमें सारी कवर करनी होती हैं कोई भी स्कीम हम लोग लीव नहीं कर सकते दिस इज़ द रीज़न चलो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं गाइज फिफ्टी का ऑफ सिक्स मंथ का एक्सटेंशन वाला जो ऑफर है और अकेडमी पर अभी भी चल रहा है बहुत बेहतरीन ऑफर ठीक है, है? इससे बढ़िया ऑफर आपको नहीं मिलेगा बट डोंट फॉरगेट जब आप ये ऑफ़र लेने जाओ तो यू नीड टू यूज़ अ डिस्काउंट कोड दैट इज़ ए एम एस लाइव ठीक है ए एम एस लाइव इज दैट को इस्तेमाल करना यूज दिस कोड ठीक चलो बिना किसी देरी के साथ अपने आज जो हम लोगों को चीजें करनी है वहां तक पहुंचते हैं फटाफट बिना ज्यादा टाइम खर्च किए देखो जब मैं स्कीम घुमाता हूं तो आपको याद आना चाहिए हाँ हाँ ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया ये भी पढ़ लिया ठीक है वैसे पिछले सेशन में जब हम लोग स्कीम्स कवर कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की हम लोगों ने स्टार्टअप इंडिया ओ एन डी सीज ये सारी स्कीम कवर अप करी थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग अपनी लास्ट क्लास के अंदर देख रहे थे है ना लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कवर किया था जिसके अंदर मैंने आपको रिस्क भी समझाया था माइक का इशू आ गया था याद होगा ऐसे मैंने खड़े होकर अलग तरीके से स्कीम पढ़ाई थी ठीक है यहाँ पर हम लोगों ने इंडिया स्कीम और बाकी सारी चीजें करी थी। थी थी। एक योजना हमारी हमारी रह रह गई गई बाइंड, बाइंड बाइंड ठीक है bind वाली रह थी, तो पहले कर लेते हैं, प्रसार भारती फ्सपेंसिस रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन इट्स ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट डेवलपमेंट सिविल वर्क रिलेटेड टू दर्गे जो प्रसार भारती है प्रसार भारती क्या है प्रसार भारती इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पब्लिक ब्रॉडकास्टर हमारे देश का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती सरकार कितनी भी चीज़ें होती हैं उनको रिलीज करना उनको लोगों तक पहुँचाना यह काम है किसका प्रसार भारती का इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंटरटेनमेंट एंगेजमेंट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया खासकर जो लोग रूरल इंडिया में रहते हैं वहां पर अभी भी और जो आप लोग तो दूरदर्शन के थ्रू वो चीजें पहुंचाना सरकारी न्यूज पहुंचाना सरकारी योजनाएं पहुंचाना लोगों को अवेयर करना और ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू प्रसार भारती लिए पब्लिक हेल्थ मैसेज कम्युनिकेट करना अवेयर करना रिगार्डिंग जैसे कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान प्रसार भारती ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जन जन तक सरकार की बात पहुंचाने में और लोगों तक कोविड नाइन्टीन की महामारी से रिलेटेड जो उनको प्रिकॉशंस लेने हैं जो उनको चीज़ें याद रखनी है उन सब चीज़ों में बहुत इम्पोर्टेंट रोल था स्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट बाइड स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिनेंशियल सपोर्ट दे रही है वी आर प्रोवाइडिंग फिनेंशियल सपोर्ट टू दी प्रसार भारती ठीक है ठीक प्रसार को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उस प्रसार भारती करेगी प्रसार भारती विल वाइडन दसार भारती एक्सट्रीमिज्म बॉर्डर एंड स्ट्रेटेजिक एरियाज एंड प्रोवाइड हाई क्वालिटी कंटेंट टू दूवर्स इट विल इंक्रीज कव ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी इसके साथ साथ फ्री सेट ऑफ बॉक्स दिए जाएंगे लोगों को जैसे उज्ज्वला योजना के अंदर फ्री सिलेंडर्स दिए ना लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खासकर महिलाओं की सिमिलरली मेंटल हेल्थ एंड राइट इंफॉर्मेशन कंजम्पशन जिस तरीके से आजकल ज़माना है फेक न्यूज़ का ज़माना ठीक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना तो उस दौरान सरकार चाहती है कि प्रसार भारती के थ्रू जो लोग रिमोट एरिया में रह रहे हैं जो कि ट्राइबल एरियाज हैं उन जगहों पर रह रहे हैं जो कि लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से इम्पैक्टेड है वहाँ पर भी सरकार अपनी योजनाएं बोलते हैं ना अपने जो लोगों के लिए कर रहे हैं दे आर गुड थिंग्स वो लोगों तक चाहिए जाए क्योंकि भाई देखो जो लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स या वैसे इलाकों में रह रहे हैं उनके अंदर सबसे बड़ी कमी है अवेयरनेस की उनको रॉन्ग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है और वो उस इंफॉर्मेशन पे यकीन कर रहे हैं क्यों क्योंकि उनको राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है ठीक दिस इज द रीजन लैग हो रहा है क्या लैग हो रहा है क्या अभी मैं आया हूं तो मैंने अभी कमेंट आपके देखे हैं हा? नहीं हो रहा ना कंटिन्यू करें नहीं हो रहा ना ठीक है चलो अब पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस पे देखो जब भी हमें रिसर्च करनी है इवन ओशंस के अंदर ओशियन से रिलेटेड कोई चीज आई या डीप ओशन माइनिंग से रिलेटेड कोई चीज आई हमारी अर्थ से रिलेटेड कोई चीज़ आई इवन बहुत सारी जगहों पर डिजास्टर वगैरह की जो रिसर्च होती है वहाँ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर कवर होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय एंड वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड मंत्रालय है बट यू के लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की पहली योजना पढ़ेंगे ए सी आर ओ डबल एस एटमोस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्चलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस हमेशा क्या बताया है एटमोस्फेयर से रिलेटेड समझो। समझो। रिसर्च तो करेंगे क्लाइमेट से रिलेटेड रिसर्च करेंगे मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम कुछ मॉडल्स होंगे जिन जो कि इंटरनेशनल मॉडल्स होंगे कुछ नेशनल मॉडल्स होंगे मॉडल्स के हिसाब से बनाए गए हैं बनाए जाते हैं उनकी मदद से कुछ नई नई चीजें प्रिडिक्ट की जाती हैं है ना? हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं नई नई तो इट पर साइंस प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और वेदर और क्लाइमेट सर्विसेज को एड्रेस करने की यहां पर कोशिश की जाती है ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट पार्ट ऑफ एट सब स्कीम्स जो कि स्कीम का प्रो पार्ट है सब स्कीम्स ऑफ वेदर रडार देखो अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको कोई चीज प्रिडिक्ट करनी है कर एटमोसफियर और और क्लाइमेट रिसर्च के लिए तो हम लोग डॉपलर वेदर रडार का इस्तेमाल करते हैं जो कि डॉपलर इफेक्ट की मदद से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या है जैसे मान लो दूर से एम्बुलेंस आ रही है है ना तो आपको क्या 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 लगता है कि भाई जो साउंड है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है डेट इज़ राइजिंग वो बढ़ती है ना आवाज़ तेज आप सुनने लगते हो और जब आपसे दूर जाती है ठीक तो धीरे 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 आवाज़ कम होने लगती है यही डॉपलर वेदर रडार इसी चीज़ का इस्तेमाल करता है कि कोई भी चीज़ जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बेचते हैं और उससे टकरा कर वापस आ रही है वो किस फ्रीक्वेंसी है उससे हम लोग कितनी दूर है वो नाप पाते हैं और उसकी हमारी तरफ आने की फ्रीक्वेंसी क्या है किस स्पीड से आ रही है वो भी नाप पाते हैं तो पोलरीमेट्रिक डोपलर वेदर रडार्स को यहाँ पर लगाया जाएगा जो फोरकास्ट सिस्टम है इनसे हम वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट करते हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा ठीक वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज एटमोस्फेयरिंग एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क न्यूमेरिकल मॉडलिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट मॉनसून मिशन थ्री मॉनसून कन्वेंशन क्लाउड एंड क्लाइमेट चेंज एम और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग डेटा ये कुछ आर्ट स्कीम है जिनकी मदद से एटमोस्फियर और क्लाइमेट रिसर्च किया जाता है चीजों को प्रोडिक्ट किया जाता है ठीक मिनिस्ट्री ऑफ वर्थ साइंस के साथ साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एज वेल एज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसज इन सी ऑर्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ठीक तो हर एक इंस्टीट्यूट को अलग रोल बांटा गया है तो भाई देखो ये ये वाली सारी सर्विसेज हैं जिनको काउंटर कर रहे हैं ठीक है कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में हम इसका इस्तेमाल करेंगे एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसज में इसका इस्तेमाल करेंगे एविएशन सर्विसेज में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग पब्लिक वेदर सर्विस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर रिलेटेड सर्विसेज, टूरिज्म एंड पिलग्रेमेज सर्विसेज, एज वेल एज हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज तो जो एक्रॉस स्कीम है उसकी मदद से हम ये वाली सारी चीजों में बेनिफिट गेन कर सकते हैं जीएस पेपर नंबर थ्री अगर एनवायरमेंट में भी कई सारे सवाल आते हैं रिगार्डिंग कि भाई सरकार क्या क्या प्रोग्राम कर रही है जिससे कि हम लोग वेदर फोरकास्टिंग को और बेहतर बना सके तो वहां पर आप मिनिस्ट्री ऑफ फोर्थ साइंस की अक्रॉस स्कीम को जरूर इस्तेमाल करना मेंस में आपके मार्क्स अपग्रेड होंगे ठीक है मेंस में आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे ठीक ठीक वॉइस वीक नहीं आ सकती है भाई देखो हेलो ठीक वॉइस वीक नहीं आ सकती है भाई yeah, also, मेरा भी ओपन है मेरे को पता लगता है कितनी आवाज है तो अपना माइक चेक कर लो ठीक है हाँ, चेक योर माइक चलो आ जाओ अपनी अगली स्कीम की तरफ आगे बढ़ते हैं वो है सफर सफर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन के अंदर एक इंटरप्रिटेशन किया है क्या किया है कौन बताएगा बताओ 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 रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ने आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन के अंदर एक और इंटरप्रिटेशन किया है वन ऑफ द राइट उन्होंने कंक्लूड किया है अंडर आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन क्या है कौन बताएगा कौन बच्चा बताएगा राइट ऑफ क्लीन एनवायरमेंट राइट टू क्लीन एनवायरमेंट तो ऑलरेडी था एडवर्सिट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज राइट अगेंस्ट क्या किया है द राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे भाई आम आदमी का नुकसान ना हो इसको एंश्योर करना भी जिम्मेदारी है सरकार की तो सफर प्रोग्राम है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च और राइट टू क्लीन एयर भी आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर चुकी है ये क्या है यह सिस्टम बनाया गया मेट्रोलॉजी बनाई गई जिससे कि हम लोग वेदर की क्वालिटी को फोरकास्ट कर सकें जनता को बता सकें और इजी वे में बता सकें है ना कि सबको भाई पता लग जाए हिक मेन मकसद है टू मेजर एयर क्वालिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल मेजर करके और लोकेशन बेस पे आपको एयर क्वालिटी बताई जाती है ना जैसे दिल्ली है तो भाई इस जगह ये एयर क्वालिटी है इस जगह ये एयर क्वालिटी है तो गिवन दी लोकेशन ठीक इस सिस्टम को डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने एंड इट इज ऑपरेशनलाइज बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई एम डी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको ऑपरेशनलाइज कर रहा है अब यहाँ पर एक एल डिस्प्ले होता है जिसके अंदर रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया जाता है कलर कोडिंग के थ्रू ठीक और 72 टू आवर्स का बहत्तर घंटे का आपको एडवांस फोरकास्ट भी मिल जाता है 72 टू आवर्स एडवांस फोरकास्ट कि 72 टू आवर्स बाद बारिश होगी नहीं होगी कैसी धूप होगी क्या टेम्परेचर होगा तो इन सब का भी आपको फोरकास्ट मिल जाता है किसके अंदर सफर के अंदर तो अल्टीमेट गोल कि भाई हम लोगों ने एलईडी ब्रेज डिस्प्ले और कलर कोडिंग क्यों रखी क्योंकि जिन लोगों को मान लो पढ़ना नहीं आता वो एटलीस्ट कलर देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई येलो कलर है ऑरेंज है रेड है तो रेड मतलब डेंजर मतलब सबसे खराब एयर क्वालिटी है ना तो वो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अंदाजा लगा सकते हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द एयर क्वालिटी इन देयर सिटी जिससे कि लोग खुद से बोलते हैं ना कि शर्म आकर खुद से उन्हें महसूस हो कि यार एमिशन नहीं करना है पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करना है अगर अकेले जा रहे हैं तो कार की जगह मेट्रो का इस्तेमाल कर लो है ना बर्निंग नहीं करनी है प्लास्टिक की या किसी और चीज की है ना तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग यूज तो इट ऑर्गनाइजेज अवेयरनेस ड्राइव बाय एजुकेटिंग पीपल और बाकी सारी चीजें अब क्या है सफर एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया के पहले एयर क्वालिटी अर्नी वार्निंग सिस्टम का जो कि दिल्ली के अंदर ऑपरेशनलाइज है दिल्ली के अंदर ए क्यू आए एयर क्वालिटी इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या करता है डेली एयर क्वालिटी रिपोर्ट करता है इट रिपोर्ट्स डेली एयर क्वालिटी ठीक ए क्यू आए एट मेजर एयर पोल्यूटेंट्स का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं अब याद करने का तरीका समझो कि भाई ये कौन कौन से आठ हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे ठीक सबसे पहले पार्टिकुलेट मैटर दो तरीके के पार्टिकुलेट मैटर पीएम टेन और पी एम टू पॉइंट फाइव ठीक है पीएम टेन का मतलब है टेन माइक्रोमीटर से छोटे वाले पार्टिकल और टू पॉइंट फाइव मतलब टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर से भी छोटे वाले पार्टिकल ठीक है वो वाले पी एम टू पॉइंट फाइव वाले तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो आपके ब्रीथ के साथ अंदर चले जाते हैं आपके लंग्स को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं कुछ पार्टिकल तो इनमें से इतने खतरनाक होते हैं कि दे कैन इवन ऑल्टर योर डी एन ए टू सम पी एम टू पॉइंट फाइव और पी एम टेन उसके बाद आ जाओ ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन कार्बन मोनऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दो बचे अमोनिया और लेंट, अमोनिया और लेंट आप देखोगे ए क्यू आई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और ना ही मीथेन है तो दोनों चीज अपने यहाँ पे बसा लो इधर कि ए क्यू आई वाला जो अपना इंडेक्स है इसके अंदर ग्राउंड लेवल ओजोन पीएम टेन पीएम टू पॉइंट फाइव कार्बन मोनॉक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अमोनिया और लेड है बट इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट नहीं है दो सबसे खतरनाक पॉल्यूटेंट हम मेजर नहीं कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ठीक है क्लियर अब अगर बात करें सफर की तो सफर में पीएम टू पॉइंट फाइव पीएम टेन ओजोन कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बेंजीन टोलिन जाइलिन और मरकरी मेजर होते हैं सफ़र के अंदर बेंजीन टोलिन जाइलिन और मरकरी भी मेजर होते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ ने सफ़र को रिकॉग्नाइज किया है ठीक दे हैव रिकॉग्नाइज सफ़र एज प्रोटोटाइप एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हाई क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स ठीक और सफ़र हमारे लिए कॉस्ट सेविंग रहेगा बहुत सारे सेक्टर्स के लिए और भाई अगर सफ़र की मदद से हमारे देश में टूरिज्म भी बढ़ेगा अभी सर ये इनडायरेक्ट आप कैसे लिंक कर रहे हो कि टूरिज्म कैसे बढ़ेगा भाई देखो आप लोग भी वहीं घूमना पसंद करोगे ना जहाँ पर साफ हवा हो जहाँ पर क्लीन एयर हो भाई गंदी जगह पर कौन जाना चाहेगा है ना लोग घूमने फिरने जाते हैं तो ये हैं कि मैं वहां जाएंगे थोड़ी सी साफ हवा मिलेगी वैसे तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही है कि नहीं है कि नहीं सो दिस इज द रीजन चलो अगली एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम की तरफ आगे बढ़ेंगे बोला ना आज इतनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्कीम्स है कि आप जब आज की आज का सेशन देखोगे और आज की स्कीम्स कवर करोगे आपको महसूस होगा वाह आज हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स कवर कर ठीक है तो स्कीम का नाम है ओ स्मार्ट ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी स्मार्ट दो की यह योजना है ओ स्मार्ट योजना ओशियनोग्राफिक फील्ड के अंदर देश को एडवांस लेवल पर लेकर जाना ओ स्मार्ट इट एम्स एट स्टेपिंग अप ओशियन रिसर्च स्कीम के अंदर मेन फोकस किस पे किया गया है ओशियन रिसर्च पे ना ओशियंस को हम स्टडी करेंगे ठीक सेटिंग अप अर्ली वार्निंग वर सिस्टम इट एड्रेसिस ओशियन डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एस सर्विस टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन साइंस और मेन फोकस क्या है मेन फोकस है कि हम किस तरीके से ब्ल्यू इकोनॉमी को सस्टेनेबली यूटिलाइज कर सकते हैं हाउ वी कैन यूटिलाइज ब्लू इकोनॉमी सस्टेनेबली ब्लू इकोनॉमी का मतलब जो हमें इकोनॉमिक सर्विसेज जो हमें रिक्रिएशनल सर्विसेज हमारे ओशंस देते हैं उनकी मदद से हमें मिल पाती है जैसे हम लोग एनर्जी सर्विसेज भी लेते हैं बहुत सारे मेटल्स वगैरह लेते हैं हम फिशेस को हार्वेस्ट करते हैं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स को भी करते हैं दे ऑल फॉर्म अ पार्ट ऑफ ब्लू इकनॉमी तो ब्लू इकनॉमी को सस्टेनेबली यूटिलाइज करने के लिए यू नीड टेक्नोलॉजी यू नीड रिसर्च तो उसके लिए क्या है ओ स्मार्ट स्कीम है जिसको 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था ठीक 2026 तक ये स्कीम चलने वाली है इट विल बूस्ट ब्लू इकोनॉमी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज डिलीवरिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफ मेरीन डोमेन स्ट्रेंथन स्टैंड इन ग्लोबल ओशनोग्राफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ नेशन इन ओशनोग्राफिक फील्ड एट इंटरनेशनल लेवल ये हमारे मेन मकसद हैं ओ oh, स्मार्ट योजना के अंदर ओ oh, स्मार्ट योजना के कुछ और ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्या करेंगे इसमें मेरीन लिविंग रिसोर्सेस की रेगुलर इंफॉर्मेशन अपडेट होगी ठीक और यह भी अपडेट होगा कि उनका इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर उनको किस तरीके का एनवायरमेंट मिल रहा है बेसिकली गाइस अगर मैं ये कंसीडर करता हूं कि यह इंडियन कोस्ट है एंड आई कंसिडर दिस हैज टू बी अ बेस लाइन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी यूएन क्लॉज जिसको हम लोग लॉज ऑफ द सी के नाम से जानते हैं बेस लाइन से टू हंड्रेड नोटिकल माइल का इलाका बेस लाइन से दो सौ नोटिकल माइल का इलाका आता है ई e जेड -E के अंदर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर वैसे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल का इलाका टेरिटोरियल जोन कहलाता है और अगला नॉट 12 नॉटिकल माइल का इलाका कहलाता है कन्वेंशन जोन और बाकी बचा 176 सेवेंटी सिक्स कंटीगुअस जोन ये वाला कह रहा है क्या कन्वेंशन या किसको कंटीगुअस जोन आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है कंटीगुअस जोन कहलाता है और बाकी का 176 सेवनटी सिक्स नोटिकल माइल का जो इलाका है दैट इज मेनली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो यहाँ पर इस इलाके में इस इलाके में भी हमारे पास पूरे के पूरे इकोनॉमिक राइट होते हैं ऑल इस इलाके में थोड़े से जैसे ओपन इंटरनेशनल नेविगेशन यहाँ पे अलाउड हो जाती है आप कस्टम्स नहीं लगाते ठीक है ऊपर के अपने जो एयर स्पेस होता है वो तो अपना होता ही नहीं है वो सिर्फ टेरिटोरियल जोन तक रहता है ठीक है तो यहाँ पर यहाँ से जो हम लोग ब्लू इकोनॉमी के लिए जो एनर्जी ग्रैप कर रहे हैं जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ग्रैप कर रहे हैं अब यहाँ पर जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनका कैसा इंट्रैक्शन है उनका एनवायरमेंट कैसा है ठीक उसके लिए ओ स्मार्ट स्कीम के अंदर आएगा ये पीरियोडिकली मॉनिटर करेंगे सी वाटर पोल्यूटेंट्स को ठीक फॉर हेल्थ कंसर्न ऑब्जर्वेशनल सिस्टम डेवलप करेंगे यूजर ओरिएंटेड ओशन इंफॉर्मेशन एडवाइजरीज वार्निंग ये भी ओ स्मार्ट स्कीम के अंदर हम लोग लोगों को देंगे मॉडल्स डेवलप करेंगे फॉर ओशन फोरकास्टिंग नई एल्गोरिथम लेकर आएंगे कि हम सेटेलाइट डेटा को किस तरीके से कोस्टल रिसर्च और ओशन रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं ठीक कुछ नई भारत सरकार कोस्टल रिसर्च वेसल्स भी अपने टेक्नोलॉजिकल पार्ट देंगी जहां पर हम लोग पॉल्यूशन को मॉनिटर काम करेंगे ये मेन मकसद है किसका ओ स्मार्ट योजना का क्लियर एवरीवन ओ स्मार्ट योजना समझ में आई वेरी इंपॉर्टेंट योजना ये जरूरी योजना है ठीक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट योजना ठीक और जो लोग पीसी के बारे में पूछ रहे हैं पीसी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम टुमारो ऑन अ रेगुलर बेसिस नॉन स्टॉप क्लासेस पीसी की ठीक है और आपको ये लग रहा है ना ये ऐसी ही हो जाएंगी और देखो भाई करने को तो तुम सब कर सकते हो अगर मैं पी डी एफ दे दू तो सारे बच्चे कर सकते हैं पर करना और समझने में अंतर है समझाना पड़ता है ना हम्म चलो ये ओस्मार्ट योजना के अंदर बेलास्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी कराई जाएगी ठीक होता क्या है जो हमारी शिप्स होती हैं वो डिस्चार्ज करती है बलास्ट वाटर जिसकी मदद जिसकी वजह से इन्वेजिव स्पीसीज ओशंस के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती हैं एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट ठीक तो उसके ऊपर भी नज़र रखेंगे बलास्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी जो पॉली मेटेलिक नोडूल्स हैं जो हमें समुंदर के नीचे जाके मिलते हैं जहाँ पर सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर इंडियन सीबे इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने इंडिया को राइट्स भी दिए हुए हैं ठीक है कि हम वहां पर डिग इन कर सकते हैं तो पोलिमेटोलिक नोड्यूल्स 5,500 मीटर के नीचे निकालेड टू तो इंडिया बाय द यूनाइटेड नेशंस इन सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन कि हम लोग वहां पर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं गैस हाइड्रेट्स को गैस हाइड्रेट्स में जैसे मिथेन हाइड्रेट्स भी हो सकते हैं ना ये हाइड्रेट वाला मुद्दा क्या है शॉर्ट में समझा देता हूं बेसिकली ये समझ लो कि ये गैस मॉलिक्यूल ट्रैप्ड है चारों तरफ वाटर पार्टिकल है इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ठीक है गैस मॉलिक्यूल बीच में ट्रैप्ड है और चारों तरफ वी हैव वाटर पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन फॉर्म तो उनको हम लोग बोलते हैं गैस हाइड्रेट्स ठीक है तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स नोडूल्स नोड्यूल्स यहां यहाँ पर हमें मिलते हैं ठीक उनको अच्छे से करें उनको माइनिंग करें ठीक और उनको यूज़ कर पाएँ तो ये सारी की सारी चीज़ किसके अंदर है ओ स्मार्ट योजना तो आई होप मतलब मेजरली ओ स्मार्ट योजना समझ में आ गई होगी इसको मेजर अगर थो थोड़ा भी आपको मेजर समझ में आ गया कि हाँ भाई ये योजना है इसके अंदर तो ये ये चीज़ें हो रही हैं तो एग्जाम में यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स अब जैसे ओ स्मार्ट पढ़ाई ओ स्मार्ट में हम लोगों ने यूमन क्लॉज के वो सारी चीज़ें भी पढ़ ली अभी मैंने आपको पोली मेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में बताया इंडिया को कहाँ पर रिसर्च का राइट मिला हुआ है अब मान लो सवाल आ गया कि इंडिया को ईस्टर्न इंडियन ओशन में राइट मिला हुआ है तो एटलीस्ट आपको पता है ना कि इंडिया को सेंट्रल इंडिया में मिला है और वो नॉलेज आपको किसने दी है वो आपको गवर्नमेंट स्कीम ने दी है वो गवर्नमेंट स्कीम ने दी है उसकी डिटेलिंग ने दी है और सवाल ऐसे ही बनते हैं भाई है ना यही डिफरेंस होता है पढ़ने में और अच्छे से पढ़ने में समझने में और अच्छे से समझने में है कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं भाई इस योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है ये इस साल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है इसकी पृथ्वी विज्ञान योजना मतलब अगर आप गूगल करोगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की स्कीम्स एक ही स्कीम के ऊपर फोकस पूरा साल वि, पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी स्कीम इट इज एन स्कीम जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है एटमोस्फेयर ओशन जियोस्फेयर क्रॉसफेयर और इवन इंटरनल्स ऑफ द अर्थ सॉलिड अर्थ मेंटल क्रस्ट तो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन करना एटमॉस्फेयर की ओशन की जियोस्फेयर की क्रायोस्फेयर की एंड इवन सॉलिड अर्थ की व्हाट इज दिस क्रायोस्फेयर क्या होता है क्रायोस्फेयर क्या होता है व्हाट इज क्रायोस्फेयर हम्म व्हाट इज ट्रायोस्फेयर बताओ ट्रायोस्फेयर क्या है आइस हम्म आइस इज क्रॉसफेयर मतलब और भी कुछ होता होगा ना या सिर्फ सर आइस इज क्रॉसफेयर बेसिकली उसको सिर्फ आप आइस नहीं बोलोगे क्योंकि सी आइस परमाफ्रॉस्ट ग्लेशियर्स। तो हम बोलेंगे जितना भी फ्रोजन पार्ट है हमारी अर्थ का फ्रोजन पार्ट ऑफ आर अर्थ इज नोन एज क्रेसफेयर ठीक है फ्रोजन पार्ट हमारी अर्थ का एज क्रायस्फेय नया मॉडलिंग सिस्टम क्रिएट डेवलप करना जिससे कि हम वेदर ओशन और क्लाइमेट हजार्ड्स को प्रिडिक्ट कर सकें एक्सप्लोरिंग पोलर एंड हाई सीज रीजन ऑफ द अर्थ टू व डिस्कवरी ऑफ न्यू फिना एंड रिसोर्सेज इसी के लिए स्कीम रिसर्च डेवलपमेंट मॉडलिंग ये तीनों मॉडल ऐसे पोलर और हाई सीज रीजन जो है हमारी अर्थ के वहां तक एक्सप्लोरेशन करेंगे इस योजना के अंदर जिससे कि कुछ नई चीजें हमें पता लग सके कुछ नई जानकारी सामने आ सके जी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड सस्टेनेबल ऑफ ऑफनरिक रिसोर्सेज फॉर सोसाइटल ट्रेडिशन ट्रांसलेशन ऑफ नॉलेज एंड ऑफ वर्थ सिस्टम इन सर्विसेज फॉर सोसाइटी एनवायरमेंट एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो इस स्कीम के अंदर पृथ्वी योजना के अंदर पांच ऑनगोइंग स्कीम को हम लोगों ने सबमर्ज कर दिया एक तो एक स्कीम जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ओ स्मार्ट स्कीम जो भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट है बाकी एक पेसर स्कीम है पोलर साइंस एंड क्राउस्फियर रिसर्च सी स्कीम सिस्मोलॉजी एंड जियो के लिए है और एक है रीच आउट रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच आउट तो ये पांच योजनाएं पृथ्वी स्कीम के अंदर अब आ गई हैं इसीलिए पृथ्वी स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर क्लियर एवरीवन वेरी इंपॉर्टेंट योजना ठीक है Cool. तो पांच फोकस कर रहा है ये यहाँ पे फोकस करो सागर वाणी इट्स बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन ठीक है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि फिशरमैन कम्युनिटी है उनको एडवाइसेस देंगे उनको चीजें बताएंगे उनको अलर्ट देंगे रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ द सी समुद्र के बारे में है ना उनको इंफॉर्मेशन देंगे और यह इन्फॉर्मेशन इन द्वारा दी जाती है और एन सी ओज इज करेंटली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ठीक है इन सी ओस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का पार्ट है तो सागर वाणी इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फिशिंग कम्युनिटी बाय द इन सी ओज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का पार्ट है जिससे कि फ़िशिंग कम्युनिटी अपने लिए बेहतर चीज़ें कर सके ठीक है चलो मूविंग ऑन अब आ जाते हैं बहुत ही, ही। सुंदर मंत्रालय पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर कवर करने को पर उन सब में सबसे टॉप लेवल की योजना सबसे इंपॉर्टेंट योजना जिसके अंदर खुद आठ योजनाएं हैं और वो आठों की आठ आपको पढ़ना है और उन आठों में से तीन के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछ चुकी है तो योजना की इंपॉर्टेंस समझो आपको याद एक सवाल आता है नेट मीटरिंग के ऊपर वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की उन आठ में से एक योजना है एनर्जी एफिशिएंसी वाली वो असलियत में सवाल वहां से बना था उस योजना के अंदर वो शब्द है नेट मीटरिंग ठीक तो उस योजना के अंदर है वो शब्द तो इसीलिए इस योजना को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से कवर करेंगे थोड़ा डीप डाउन कवर करेंगे क्या था? कमेंट है वाई आई एम साउंडिंग सो लो आई एम साउंडिंग लो नो बडी हाय हाय वेरी हाय चलो तो ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 के अंदर पब्लिश हुआ बाय द देन प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज मेन मकसद ये है कि, कि डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज कि नई नई टेक्नोलॉजी नई नई डेवलपमेंट को हम लोग यूज़ कर पाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू सिविल सोसाइटी एक्शन प्लान के थ्रू एंड द फोकस विल बी ऑन प्रोमोटिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज अडाप्टन मिटिगेशन एनर्जी एफिशेंसी एंड नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन तो इसके अंदर आते हैं इन टोटल एट नेशनल मिशन आठ मिशन इसका पार्ट है एक एक करके उन आठों मिशन को कवर करते हैं है ना एक एक पहला मिशन नेशनल सोलर मिशन सोलर से रिलेटेड तो आज का अखबार भी पूरा भरा हुआ था आपने एक एएलएमएम लिस्ट के बारे में पढ़ा होगा आज न्यूज़पेपर के अंदर डेफिनेटली तो नेशनल सोलर मिशन नेशनल सोलर मिशन हमारा मेन इनिशिएटिव है कि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है जो एनर्जी कंसर्न है इंडिया का हम वहां पर फोकस कर सकें ठीक द प्रोग्राम वाज इन 2010 टारगेट था 20 गीगा वॉट 2022 और इसी को 100 गीगा वॉट इंक्रीज कर दिया गया इन 2015 मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यबल एनर्जी ने प्रपोज किया टू अचीव 60 गीगा वॉट फ्राम लार्ज एंड मीडियम स्केल प्रोजेक्ट्स फोर्टी गीगा वॉट थ्रू रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स तो अभी काफ़ी सारे भारत सरकार ने सूर्योदय योजना सोलर रूफ टॉप योजना जो भी सरकार चला रही है वो बेसिकली पार्ट नेशनल सोलर मिशन के अंदर ही है पार्ट ऑन नेशनल सोलर मिशन और हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है जो हम लोगों ने पेरिस के अंदर करे वहाँ भी हम लोगों ने प्लेज किया दैट बाय 2030 40 परसेंट ऑफ इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी शल बी बेस्ड ऑन क्लीन एनर्जी सोर्सेस 40 प्रतिशत जो हमारी पावर जनरेशन होगी वो क्लीन एनर्जी सोर्सेस पे होगी और पंच अमृत में हम लोगों ने बोला कि 50 परसेंट हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया था 50 परसेंट कर दिया था ठीक उस समय हम लोगों ने भी बोला था कि 175 सेवेंटी फाइव गीगा वोट एनर्जी कैपेसिटी 2022 तक इंस्टॉल करेंगे जो हम लोगों ने अचीव कर लिया था जिसके अंदर 100 गीगा का सिर्फ और सिर्फ सोलर था तो मेजर फोकस हम लोग सोलर पे करते हैं ठीक अभी नेट मीटरिंग क्या होता है नेट मीटरिंग इज बिलिंग मैकेजम फॉर ग्रिड कनेक्टेड होम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है सोलर पैनल्स द्वारा दिस फेड इन टू यूटिलिटी ग्रेड तो जो घर होता है ड्रॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फ्राम यूटिलिटी ग्रेड हाउस होल्ड पेज ओनली फॉर द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी यूनिट एड कंज्यूम्स फ्रॉम द ग्रेड एंड दिनर्जी यूनिट फेड इन टू द ग्रेड दिस इज मेजर्ड बाई अरेक्शनल मीटर जिसको बोलते हैं नेट मीटर तो व्हाट इज नेट मीटर नेट मीटर समझाता हूं अब भाई मान लो सोलर पैनल किसी ने लगा लिया और उसे ग्रिड से कनेक्ट करा दिया और आपका जो अपना घर है आप वहां पर भी, भी एनर्जी का तो यूज करोगे डेफिनेटली करोगे है ना तो आप जो जनरेट कर रहे हो आपने मान लो एक्स जनरेट करके दिया और आपका घर वाई कंज्यूम कर रहा है तो एक मीटर के थ्रू हम लोग ये मेज़र कर रहे हैं कि आप कितना सोलर आप सोलर पैनल आपका बना कर दे रहा है और आप कितना यूज़ कर रहे हो तो ये जो एक्स माइनस वाई होगा आपको इसी का ही पैसा देना होगा बेसिकली वाई माइनस एक्स का पैसा देना होगा कि आपने कितना प्रयोग किया कितना प्रयोग किया और उसमें से कितना आपने ग्रेड में कंट्रीब्यूट किया था ठीक तो उसको मेजर करता है नेट मीटर दैट इज नेट मीटरिंग आया समझ में सबको नेट मीटरिंग समझ में आया ठीक है चलो बताओ ये यूपीएससी ने सवाल पूछा 2016 में बताओ क्या है ये? जल्दी से फटाफट आंसर करो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर बढ़िया एकदम सवाल आ रहा है ए हेलो भाई शाबाश शाबाश सब ने सही आंसर किया है गुड टू गुड टू सी ठीक दिस इज नेट मीटरिंग आ जाओ फिर एक और मिशन है मिशन का नाम है नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी एन एम ई ई एनर्जी एफिशेंसी जिससे कि हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट कर सकें बाय फॉस्टरिंग इनोवेटिव पॉलिसीज एंड इफेक्टिव मार्केट इंस्ट्रूमेंट 2010 के अंदर इस मिशन को अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक की स्टडी के हिसाब से द कंट्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड मार्केट एनर्जी एफिशिएंसी मार्केट लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपीस की है इसके अंदर चार स्पेसिफिक एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स इस मिशन के अंदर आते हैं ध्यान से सुन लेना नेशनल मिशन फॉर एनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी कि हम एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करें सही ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल करें इस योजना के अंदर चार अलग-अलग एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स आते हैं पहला परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैक्ट इसके अंदर एनर्जी रिडक्शन टारगेट्स दिए गए तो लार्ज एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहां पर एनर्जी का ज़्यादा कंजम्पशन होता है और फिर उनको उसी हिसाब से अगर उन्होंने अपने टारगेट से कम बिजली खर्च करी कम एनर्जी कंज्यूम करी एफिशिएंटली एनर्जी स्पेंड करी तो उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। दे आर प्रोवाइडेड विद एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स। और इन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स को यू कैन ट्रेड ऑल्सो ईसर्ट्स कहते हैं आप उन्हें ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल कार्बन ट्रेडिंग जैसा है है ना है कि नहीं सो दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू द कार्बन ट्रेडिंग थिंग ठीक है पैट दूसरा मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी. इसमें जो इक्विपमेंट्स जो यंत्र जिनको यूज़ करके आप एनर्जी एफिशिएंसी अचीव कर सकते हो उनको प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम के अंदर एक तो सबसे पहले डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम चलाया गया जिसके अंदर एल का इस्तेमाल करना स्ट्रीट लाइट्स को एल में बदल दिया है ना जो पहले अपने सी एफ एल वाले बल्बस होते थे या हेलोजन ट्यूब्स होती थी उनको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया एलईडी से तो वो असलियत में इस डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम का पार्ट है आया समझ? पार्ट ऑफ डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम इसके साथ साथ एक और योजना लेकर आया, उसका नाम है सीप सुपर एफिशिएंट इक्विपमेंट प्रोग्राम इस प्रोग्राम के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ठीक उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है सरकार द्वारा टू एलिवेट एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स ऑफ द इक्विपमेंट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लॉन्च दी प्रोग्राम इन ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान विद अ फोकस कि भाई सीलिंग फैन और बाकी सारे को जो स्टार वाली रेटिंग आ रही ना स्टार रेटिंग के ऊपर भी सवाल यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है तो जो अपनी स्टार रेटिंग है ठीक उसको ध्यान में रखते हुए चीज एनर्जी डोमेस्टिक एनर्जी कंजम्पशन को हम लोग सेव कर सकते हैं थर्ड प्रोग्राम इसी के अंदर ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी वाली अपनी योजना एनर्जी एफिशिएंसी फिनेंसिंग प्लेटफॉर्म इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टर्स टू सपोर्ट एनर्जी इनिशिएटिव्स इनिशियटिव देखो बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता तो अगर मान लो कोई स्टार्टअप कोई भी बड़ी कंपनी कैसी भी कंपनी है और वो कंपनी ये चाहती है कि भाई अच्छे से काम किया जाए एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर कुछ टेक्नोलॉजी लाई जाए कुछ नई चीज़ें लाई जाए, ठीक है तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको कंसीडर करते हुए ठीक है वी आर ब्रिंगिंग एनर्जी एफिशियसी फिनंसिंग प्रोग्राम ठीक इसके अंदर फिनेसिस को कैटेलाइज कैट वो चैनलाइज किया जा रहा है एंड लास्ट फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट फीड यहां पर भी जो इन्वेस्टमेंट रिस्क हैं उनके अगेंस्ट सरकार सपोर्ट करेगी ठीक है रिस्क गारंटी करेगी रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा ठीक है द फंड गारंटीज रिस्क कवर फॉर बैंक्स एंड इन्वेस्टर्स फॉर अप टू फिफ्टी ऑफ लोन अमाउंट फॉर एनर्जी एफिशियसी प्रोजेक्ट्स और वेंचर कैपिटल फंड भी दिया जाएगा वेंचर कैपिटल मतलब जो कि इनिशियल कैपिटल्स हम लोग किसी भी स्टार्टअप या वहां पे डालते हैं या किसी किसी और भी जगह डालते हैं वहां के लिए तो मेन मकसद क्या है कि लोगों तक पैसा पहुँचे तो तीन और चार पैसे के बारे में बात कर रहे हैं क्लियर क्लियर है बहुत इंपॉर्टेंट योजना है बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी मूविंग ऑन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट ठीक इसको 2010 के अंदर अप्रूव किया गया इट वॉज अप्रूव्ड इन 2010, इसका मेन मकसद है इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशियंसी इन बिल्डिंग बाय एक्सटेंडिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स न्यू एंड लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स आज आप लोग जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना वो ग्रीन बिल्डिंग का कन्सेप्ट असलियत में ये योजना है है ना कि भाई जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसमें हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इट विल हेल्प इन बेटर अर्बन प्लानिंग ठीक एफिशिएंट और कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम लोग लेकर आएँ इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ये किसका पार्ट है सस्टेनेबल हैबिट का क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो आपको अपना तरीका अपना हैबिटेट उसी तरीके से डेवलप करना पड़ेगा ठीक कंजर्वेशन थ्रू अप्रोप्रिएट चेंजेस इन लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट बेसिकली इस वाले प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ दी अदर फोर मिशन जैसे अमरुत मिशन हम लोग ये भी कवर करेंगे है ना अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्वच्छ भारत स्मार्ट सिटीज और अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम तो इन प्रोग्राम्स की मदद से सस्टेनेबल हैबिटेट हम सब लोग अचीव करेंगे ठीक है क्लियर मूविंग ऑन इसके बाद आता है नेशनल वाटर मिशन पानी वाला मिशन नेशनल वाटर मिशन ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कि वाटर का पानी का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जो अपना नेशनल वाटर पॉलिसी है उसी के साथ मेन मकसद है कि वाटर की यूज एफिशिएंसी 20 परसेंट से इंक्रीज कराई जाए इंश्योर दंसिडरेबल शेयर ऑफ वाटर नीड्स फॉर अर्बन स्पेसिस ठीक तो पानी के अच्छे इस्तेमाल के लिए ड्रिप इरीगेशन स्प्रिंकलर्स इन सब का इस्तेमाल करें जिससे कि पानी वेस्ट ना हो ठीक मेजर चीज़ अगली नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ग्रीन इंडिया मिशन इसका क्या मकसद है रिस्टोरिंग एनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज ग्रीन कवर भारत का बढ़ाना ज़्यादा पौधे लगाना ठीक है एनुअल सी ओ टू को फिफ्टी टू सिक्सटी मिलियन टन से बढ़ाना था इसके अंदर 2020 तक तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग बोले कार्बन सिंक बनाएंगे 2.5 टू 3 बिलियन टन का यही है ना अपना ने कॉप ट्वेंटी वन में बोला हम लोगों ने पंचामृत के अंदर बोला कि टू पॉइंट फाइव टू थ्री बिलियन टन का हम लोग भाई कार्बन सिंक बनाएंगे वो इस मिशन का इस इस मिशन के थ्रू हम लोग अचीव करेंगे नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ठीक है मेजर आउटकम क्या है कि भाई जो लैंड डिग्रेडेशन है जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिवर्स करना उसको वापस से ठीक बनाना ठीक है प्रोटेक्टेड एरिया को प्रोटेक्ट करना देश के अंदर प्लांटेशन करना ठीक मेन गोल क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर बढ़ाना इको सिस्टम सर्विसज बढ़ाना मेनली मैंग्रोव कोल्ड डेजर्ट कल्टिवेशन एरिया रेफरेंस माइनिंग एरियाज सब के अंदर ग्रीन कवर बढ़ाना ठीक है ए फॉरेस्टेशन करना ठीक न इस मिशन के अंदर एक ये मिशन आता है एक सब मिशन मान लो इसका नेशनल मिशन ऑन सीबकथॉन अब मुझे नहीं पता आपके इलाके में सीबकथॉन को क्या कहते हैं ये एक सब मिशन है इट इज़ अ सब मिशन ऑन कोल्ड डेजर्ट इको सिस्टम अंडर ग्रीन इंडिया मिशन जो सी बक्थन है ये लेह का पा। इसको लेह बैरीज कहते हैं क्या कहते हैं इसको लेह बैरीज और इसको लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं और वंडर प्लांट भी कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपके लिए सवाल बन सकता है ठीक है सी बक्थोन ठीक वट इज नोन एज विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट इज नोन एज वंडर प्लांट या लद्दाख गोल्ड किसे कहते हैं क्यों भाई प्लांट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है दिस प्लांट कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इट इज टॉलरेंट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड हैज एन एक्सटेंसिव रूट सिस्टम मेकिंग आइडियल फॉर कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन एंड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन और न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग से सोचो भाई और क्या चाहिए न्यूट्रिशनल वैल्यू की न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल गई ना बाकी सबका काम मिल गया और चाहिए क्या ठीक लद्दाख गोल्ड याद रहेगा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेन मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना रेन फेड एरियाज़ में उन इलाकों में जो कि आज भी रेन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है इरिगेशन फैसिलिटीज वहाँ पर अच्छे से नहीं पहुंच पाई है क्योंकि देश का पर सोन एरिया डिट है तो क्रॉप सीड लाइफ स्टॉक फिश कल्चर बढ़ाना वाटर यूज एफिशेंसी करना पेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव फार्म प्रैक्टिस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एग्रीकल्चर इंश्योरेंस क्रेडिट सपोर्ट मार्केट टू इंफॉर्मेशन और लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन ये सारे गोल्स हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसमें एक और मिशन आता है नेशनल बायो एनर्जी मिशन ठीक है द एम ऑफ द मिशन इज टू पोस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बेसिकली बायो एनर्जी के अंदर बायोमास के अंदर ठीक है कि हम लोग बायो एनर्जी प्लांट्स बना सकें वो आता है नेशनल बायो एनर्जी मिशन का पार्ट अब बात करेंगे आखिरी लास्ट नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज ये क्या ये नॉलेज इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है इंफॉर्मेशन कि नेशनल पॉलिसीज और इवन इंटरनेशनली भी हम लोग चीजें गैदर करेंगे जो तो क्लाइमेट उससे लड़े विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नेशंस ग्रोथ देश की ग्रोथ देश के डेवलपमेंट को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए किस तरीके से हम लोग यह क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं तो यहाँ पे क्या बनाया जाएगा नॉलेज नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग नॉलेज और अपकमिंग नॉलेज सब इसके अंदर आ जाएंगी वी विल बी डेवलपिंग नेशनल कैपेसिटी फॉर मॉडलिंग रीजनल इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन्स और रिसर्च नेटवर्क क्रिएट करेंगे अलग अलग जगहों है ना चाहे वो बायोडावर्सिटी के लिए हो इकोसिस्टम के लिए हो कोस्टल जोन मैनेजमेंट के लिए हो मैंग्रोव्स के लिए हो अलग अलग बायोम्स के लिए हो यह सारा का सारा काम इसके अंदर किया जाएगा ठीक है डेवलपमेंट प्रोग्राम से करेंगे अब कल चालू ठीक है टमोरो और इसमें और स्कीम्स बाकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज वाली में एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में है ना आज के लिए इतना काफ़ी है जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज ज़रूर करना आज हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवरअप करी हैं और ये सारी स्कीम्स हम लोग ऑलरेडी कवरअप कर चुके हैं ठीक है चलो तो आज के लिए इतना ही जुड़ने के लिए धन्यवाद इसी तरीके से पढ़ते रहो पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड